guys, welcome back to our channel. I'm Jolly. And I'm Nikita. कैसे आप सब? I hope आप बहुत अच्छे हो. So guys, बहुत time के बाद आज हम reaction देने जा रहे हैं ISPR के एक song पे. और गाइज ये अभी रिसेंटली सॉन्ग आया है और जो कि आया पाकिस्तान डे पे आया जो कि होता है 23 मार्च को. हाँ, मार्च को होता है. जो कि हमने ऑलमोस्ट इनके सारे सॉन्ग सुने हैं. मुझे ऐसा लगता है जब भी जितने भी पाकिस्तान डे के जो भी सॉन्ग है वो हमने सुने हैं. और ये न्यू आया है तो हमने सोचा क्यों ना हम देखें. और आई थिंक इसके लिए हमें कमेंट भी आया था तभी हमें पता चला कि ये न्यू सॉन्ग आया है. सो गाइज देखते हैं ये सॉन्ग कैसा होता है. और हमने बहुत दिन हो गया है, हमने मतलब नहीं पता है हमें कुछ भी नहीं पता. हम बहुत दिन से हमने कोई भी ISPR के कोई भी सॉन्ग नहीं सुना है तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं. और जो सिंगर हैं और जो सॉन्ग का नाम है वो निकिता बताएगी. तो टाइटल से पहले इनके जो सिंगर्स हैं वो है यशल शाहिद एंड साथ में शुजा हैदर, जिनको हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं दोनों को. एंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी है इनके लिए. एंड हमने सुना नहीं कभी कभी भी नहीं. एंड जो इसका टाइटल है वो है शाद रहे पाकिस्तान. सो गाइज जैसे ये वर्ड है स्टार्टिंग में इनका जो टाइटल है तो काइंड ऑफ ये हमें इतना उर्दू तो नहीं आता बट इसका जो मीनिंग है वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से शाद रहे पाकिस्तान, मतलब जो रहे हमेशा है ना, काइंड ऑफ ऐसा ही है. बट एग्जैक्टली हमें नहीं पता, वो तो हम सॉन्ग सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस चीज के ऊपर इन्होंने पाकिस्तान डे पे सॉन्ग निकाला है. मुझे तो ऐसा लगता है कि ट्रिब्यूट दिया होगा पाकिस्तान को है ना. एंड 23 मार्च भी वैसे हमें पता नहीं 23 मार्च एग्जैक्टली किस क्यों रीजन क्या है, क्योंकि हमने गाइस बहुत सारे रिएक्शन दिए थे और हमने हर बार देखा 23 मार्च ही होती है, कभी भी डेट चेंज नहीं होती. तो मतलब ऐसा कुछ है कि इस दिन कुछ हुआ होगा तभी इस दिन का, किसी चीज के लिए. बट गाइज हमें कमेंट करके बताना, किसी को पता होगा तो. वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता होगा तो प्लीज हमें कमेंट करके बताना. सो हम देखते हैं, सॉन्ग देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है तो हम देखते हैं सॉन्ग कैसा होता है. वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना. So let's start the video. जज्बा मेरी पहचान है और सीने में है ईमान, अल्लाह का ये एहसान है जो मिला है पाकिस्तान. कि है ये कायद की तकरीर और इकबाल की ताबीर, सदा आबाद रहे शाद रहे पाक ज़मीं है ये दुआ, जानो दिल इस पर कुर्बान, शाद शामिल इस धरती की मिट्टी में, सरशार है जज्बा और हिम्मत इस वतन की हर बस्ती में, इस पर चमका इस्तकलाल रहे कायम और जिंदाबाद, आजाद रहे शाद रहे पाक ज़मीं है ये दुआ, जानो दिल इस पर कुर्बान, शाद है ये पाकिस्तान, सबसे ऊंचा इसका नाम, शाद है ये पाकिस्तान, तेरी मेरी है एक पहचान. चमका इस्तकलाल रहे कायम और जिंदाबाद, आजाद रहे शाद रहे पाक ज़मीं है ये दुआ, सितारा सदा यूं धमकता रहे.
बहुत सही था, बहुत ज्यादा अच्छा सॉन्ग था, क्योंकि इस सॉन्ग में मतलब इतनी सारी जो चीजें दिखाई गई थी, मतलब प्रॉपर पाकिस्तान में क्या क्या चीज है, इवन पूरे मतलब वहां पे ये भी दिखाया अलग अलग टाइप के, मतलब जैसे वहां पे अलग अलग कल्चर्स, हाँ कल्चर्स दिखाए गए थे, साथ में मॉन्यूमेंट्स दिखाए गए थे, साथ में मतलब इतना जो भी उनके माउंटेन्स थे, है ना, माउंटेन्स, इवन एयरफोर्स का भी दिखाया गया था, मतलब हर चीज कवर की थी, काइंड ऑफ एक ये ट्रिब्यूट ही दिया था पाकिस्तान को कि हमारा देश ऐसा है, ये खासियत है. और वीडियो बहुत ज्यादा, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, वीडियो तो हमेशा ही आईएस प्यार की होती है, अच्छी है. हाँ, क्योंकि वो मुझे हर बार ऐसी वीडियो मतलब बनाते हैं, हमने बहुत नोट किया है, बट साथ में सिंगर्स जो थे वो भी हमने पहली बार सुने और उनकी वॉइस भी बहुत अच्छी थी, है ना, दोनों की वॉइस बहुत अच्छी थी. एंड अभी हम शाद का मतलब देख रहे थे तो उसका मतलब हमें मिला कि होता है लॉन्ग लिव, तो हमें ये एक नया वर्ड पता चला उर्दू का. एंड हमने ज्यादातर ISPR में साहिर अली बग्गा के काफी सॉन्ग सुने हैं, एंड इस बार दूसरे सिंगर्स थे बट उन्होंने भी काफी अच्छा किया, लाइक बहुत एनर्जेटिक टाइप का था, बहुत अच्छा. हाँ, क्योंकि साहिर अली बग्गा के भी काफी सॉन्ग्स फेमस हुए थे, खासकर पाकिस्तान जिंदाबाद वाला, वो बहुत बहुत ज्यादा फेमस हुआ था. एंड आई थिंक ये भी बिल्कुल टक्कर का, ये भी बहुत अच्छा लगा मेरे को, मतलब सच में स्टार्टिंग से लेके एंड तक में जो जो भी मतलब जैसे भी उन्होंने शूट किया वो बहुत अच्छा था. और साथ में म्यूजिक बहुत अच्छा था. हाँ, एंड साथ में जो उन्होंने एंडिंग की थी ना साथ में, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, सही लगा था. हाँ. वो क्यों मतलब एकदम से वाइट, प्रॉपर वाइट, एंड देन वो लोग ऐसे दोनों गा रहे थे, वो बहुत अच्छा लगा, वो सही था. और आप लोग बताना आप लोगों को ISPR का ये सॉन्ग कैसा लगा, क्योंकि हमें तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमने खुद इतने टाइम के बाद ISPR का कुछ देखा है और देख के बहुत अच्छा लग रहा है. और आप लोग बताना आपको रिएक्शन कैसा लगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से हमें इंस्टाग्राम फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना. तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.